अरे यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फ्रैंकलिन भैया, मेरी बात सुनो, आप कहाँ पर हो? फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से आओ यार। अबे यार, पता नहीं अभी चॉप को क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है इतना सुबह सुबह? अरे यहाँ पर आओ। अच्छा ठीक है, रुक आ रहा हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार इसको, बोल क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है सुबह सुबह? अरे शिनचैन के स्कूल छूटे टाइम हो गया है और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। हाँ तो आ जाएगा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, आज तक वो कहीं पर गया है क्या? अरे तो भी एक घंटे से ऊपर हो गया है, शायद आपको उसकी चिंता नहीं होगी पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज जल्दी से पता करो वो कहाँ पर है, कहीं गुम गुम तो नहीं हो गया? चौप यार, तू खुद तो टेंशन ले रहा है, मुझे भी टेंशन दे रहा है। रुक, एक काम करता हूँ, स्कूल में ही फोन करता हूँ। उठा लो सर जी, उठा लो। हाँ बोलो। सर मैं शिनचैन का भाई बोल रहा हूँ, दरअसल मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि स्कूल छूटा है कि नहीं? अरे आज तो हाफ डे ही था, स्कूल को छूटे तो 2 घंटे हो गए हैं। क्या, तो शिनचैन कहाँ पर है, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा? अब ये चीज मुझे कैसे पता होगी, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के साथ निकल गया था, थोड़ी देर रुक जाओ, आता ही होगा। अरे यार 2 घंटे हो गए, मैं कह रहा हूँ इंतजार कर लो। अच्छा ठीक है सर। चौप मेरी बात सुन, तू बोल रहा है 1 घंटा हुआ है पर आज तो स्कूल हाफ डे ही था, उसको छूटे 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ पर रह गया, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया, ऐसी बातें मत करो, मैं बहुत डर जाता हूँ। हाँ तो फिर कहाँ गया होगा? एक काम कर, चल हम लोग स्कूल के साइड जाते हैं, रास्ते में देखते हुए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल की बस खराब हो गई हो और वो चल के आ रहा हो। अरे अगर ऐसा होता तो सर आपको बोल देते ना। हाँ यार ये बात भी है, और अगर चल के भी आए तो 15-20 मिनट ही लगते है, वो पहले बहुत बार चल के आ चुका है। हाँ ये बात भी है, कहीं स्कूल में उसकी आग तो नहीं लग गई, वो सो तो नहीं रहा है? नहीं यार, सर ने मुझे कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया है, अब गया कहाँ पर वो पता नहीं। अरे तो आपने उसके दोस्तों को फोन किया क्या? अबे नहीं यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, पहले स्कूल के साइड जाकर आते हैं, अगर नहीं मिला तो उसके दोस्तों को कॉल कर लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, अब जल्दी जल्दी चलो। चला तो रहा हूँ यार चौप, इतनी घाई मत करवा, हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया, वो रहा शिनचैन। 1 मिनट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी से गाइस गाड़ी से उतरते हैं, हम कब से उसकी टेंशन ले रहे हैं और वो यहाँ पर दीदियों से लगा हुआ है। शिनचैन तू घर क्यों नहीं आया, तुझे पता कितनी देर हो गई है, हम लोग कितने टेंशन में थे, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है तुझे? और तू यहाँ पर कर क्या रहा है, पहले तो मुझे ये बता, स्कूल बस में क्यों नहीं आया? अरे रुक जाओ फ्रैंकलिन भैया, सांस तो लो, उसे बोलने का मौका तो दो। अरे रुको रुको फ्रैंकलिन भैया, मैं बताता हूँ, दरअसल स्कूल के बाद मैं थोड़ी देर खेलने चला गया और उतने ही टाइम में मेरी स्कूल बस निकल गई थी, इसलिए मैं चल के आ रहा था, फिर रास्ते में ये दीदियाँ मिली मुझे, इनको मैं बहुत ही क्यूट लगा, फिर हमारी बातें शुरू हो गई और पता ही नहीं चला टाइम कहाँ पर निकल गया। और ये देखो, हम फालतू में ही टेंशन ले रहे थे, चलो अभी घर पर चलते हैं, मेरा तो बीपी हाई हो गया था। लेडीज माफ कर देना पर अभी मुझे इस बच्चे को लेकर जाना होगा, शिनचैन चले अभी? अरे हाँ बिल्कुल। चलो गाइस, इतनी मगजमारी की और बात तो कुछ थी नहीं, ये शिनचैन की आदत सुधारनी पड़ेगी, जहाँ पर दीदियाँ देखी नहीं भवरों की तरह मंडराने लगता है। मैं तो घर पर जाके पहले खाना खाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये बाजू वाले ने ये दरवाजा कब लगवाया? अबे नहीं यार, जब हम लोग निकले थे तब तो नहीं था, कल भी नहीं था, ये अभी अभी आया है, पर इतनी अच्छी तरीके से फिट भी कर दिया। पक्का गाइस कुछ तो गड़बड़ है, और इस जगह पर ये दरवाजा करेगा भी क्या, पीछे साइड तो कुछ है भी नहीं। अरे ये अपने आप तो यहाँ पर नहीं आ गया। नहीं नहीं, अपने आप कैसे आ सकता है, इसके थोड़ी ना पैर है। अरे तो क्या हुआ, क्या पता ये जादुई दरवाजा हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। देख चौप, ऐसा होता तो कुछ नहीं है पर इस दरवाजे का यहाँ पर होना बहुत ही रहस्यमय है। एक काम करता हूँ, इसका फोटो लेता हूँ और टोनी को भेजता हूँ। चलो ये एंगल ठीक रहेगा और ये खचाक, अब फटाफट भेज देते हैं उसको, और ये डन। चलो गाइस फोटो तो गया, अब टोनी को कॉल करता हूँ। उठा ले रे भाई, उठा ले। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी यार मेरी बात सुनना, मैंने तुझे एक फोटो भेजा है, जल्दी से उसे देख। एक मिनट, ये दरवाजा तुम्हें कहाँ पर मिला? मिला नहीं है, दिख गया, वो भी हमारे बाजू वाले के यहाँ पर इसके पीछे तो कुछ है भी नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये दरवाजा इसने यहाँ पर लगाया क्यों है। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, ये दूसरी डायमेंशन में जाने का दरवाजा है। हर एक डायमेंशन में ऐसा दरवाजा होता है पर वो अपने आप कहीं पर भी स्पॉन हो जाता है। क्या इसका मतलब, एक जादुई दरवाजा है तो हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं, इसे खोलने के लिए एक चाबी लगती है और मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी मतलब, मुझे बताओ मैं लेकर आता हूँ। वो एक आइलैंड पर है। अबे यार, अब मैं आइलैंड कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? तुम एक काम करो, वहीं पर रुको, मैं अपना चॉपर भिजवाता हूँ, पर याद रखना वो आइलैंड खतरों से खाली नहीं है। अच्छा ठीक है। चलो गाइस, थोड़ी देर में हमें चॉपर मिल जाएगा,
फिर हम लोग चाबी लेकर आएंगे और इस दरवाजे को खोल देंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसके अंदर है क्या। अरे क्यों इन सब झंझटों में पड़ना है, चलो चुपचाप घर पर जाके सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमें पता करना चाहिए कि इसके पीछे आखिर में है क्या। अरे यार, अरे ये देखो हमारा चॉपर भी आ गया ही। टोनी भैया का काम कितना फास्ट है। है तो उसका काम बहुत ही फास्ट, पर बच्चों याद रखना टोनी ने कहा है कि उस आइलैंड पर बहुत खतरे हो सकते हैं, तो हमें संभल कर जाना होगा। अगर तुम दोनों को आना है तो ही आओ, वरना मत आओ। अरे नहीं नहीं, हम लोग आएंगे। अच्छा ठीक है, तो अंदर आके बैठ जाओ। फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाओ, आपको पता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। हाँ तो फिर तू क्यों आया है, मैंने मना किया था ना आने से। अरे तो अकेला मैं क्या करता, आप तो छोड़कर चले जाते, फिर वो दरवाजे का सोच सोच के मुझे और डर लगता। टोनी ने कहा है वो दूसरे पोर्टल में या फिर डायमेंशन में जाने का रास्ता है, कोई भूतिया दरवाजा नहीं है वो। अरे तू भी पता नहीं दूसरा डायमेंशन कहाँ का हो, कहीं भूत वाली जगह का हुआ तो। अरे बापरे ये क्या, चौप की बातों में तो सच्चाई लग रही है। सच्चाई नहीं दम लग रहा है बोल। चलो बच्चों हम लोग पहुंच गए। देखो ये आइलैंड बहुत ही हरा भरा है, तो तुम लोग बस इतना याद रखना कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, तुम लोग बस संभल कर रहना। अरे फ्रैंकलिन भैया, अगर जंगली जानवर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे। देखो बचाव के चक्कर में उन्हें मारना ही पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोलो, मैं भी तो एक जानवर हूँ। अच्छा ठीक है, हम उन्हें घायल करेंगे, पर खुद का बचाव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था, वो हमें मार देंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप एकदम सही बोल रही हो। रुक जा यार, पर अटैक करने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पहले मुझे एक हथियार बनाने दो। आधा एक घंटा जाएगा गाइस, जल्दी जल्दी जाके काम निपटा देते हैं। चलो यहाँ पर लकड़ियाँ भी है, तीखे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, एक हथियार तो बन ही जाएगा। तो गाइस हमने बना ली है एक कुल्हाड़ी, अब अगर कोई जानवर आया पास में तो हमारे पास भी एक चीज है जिससे मैं उन्हें मार सकता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, अब चलो ना वो चाबी ढूंढते है। देख टोनी ने मुझे ये भी कहा था कि वो चाबी किसी बक्से में होगी, तो हमें बक्सा ढूंढना होगा। अरे यार अब ये बक्सा कहाँ से आ गया, जहाँ से चाबी आई होगी या फिर जिसमें चाबी होगी। क्या मजाक है यार, इसका मतलब बहुत टाइम लगेगा। चौप यार तू बहुत ही लोड लेता है, कुछ नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ ना। अब चलो जल्दी से हमें जाके वो बक्सा ढूंढना है, पता नहीं कहाँ पर होगा, एक तो ये जगह बहुत ही बड़ी है। अरे फ्रैंकलिन भैया जरा सामने देखो, हमें लगता है हम लोग फंस गए है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। क्या मतलब है तेरा। ओ भाई साहब यार ये क्या है, येटी या फिर बहुत सारे बंदर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। आप लोग यहाँ पर। हम नहीं, तुम यहाँ पर, हम तो पहले से यहाँ पर थे, तुम अभी आए हो, बोलो क्यों आए हो। अरे दरअसल मैं यहाँ पर एक चाबी ढूंढने आया हूँ जो कि एक बक्से में, वो लेकर मैं चला जाऊंगा, किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हम उसी की तो रक्षा करते हैं, ऐसे कैसे लेकर जाने देंगे, मारो इसे। गाइस लगता है हथियार का इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। ओह ओह दूर हटो। हाँ नहीं तो गाइस, अब यार कहाँ फंस गए, बहुत बुरी तरीके से, अभी तक तो चालू नहीं किया था और ये लोग आ भी गए। पर गाइस अगर ये लोग यहाँ पर आए इसका तो एक ही मतलब है, वो बक्सा भी आसपास होना चाहिए। जल्दी जल्दी इन्हें निपटाते हैं, उसके बाद जाके उन्हें ढूंढते हैं। तुम्हारी तो मैं ओह ओह इसमें बड़ी जान है यार, अब नहीं बचेगा भाई। आजा 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 आजा, ओह ओह तेरी तो ये ले। हाँ नहीं तो चलो गाइस फाइनली सबको बेहोश कर दिया है, क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी इतनी धार थी भी नहीं, अभी अभी तो बनाई थी मैंने घाई घाई में। अब जल्दी से जाके बक्से को ढूंढते हैं। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, वो बक्सा हमारे आसपास ही है जिसमें वो चाबी है, ये लोग उसी की रक्षा कर रहे थे। अरे वाह, इसका मतलब हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हाँ तो जल्दी से ढूंढो, यहाँ पर क्या घूम रहे हो। अरे यार मैं बताने आया था, चलो अब चलते हैं। ओहो गाइस यहाँ पर कितने कंकाल पड़े, लगता है बहुत लोगों ने आके है ना इस चाबी की तलाश की होगी, पर उनके हाथ मौत के सिवा कुछ भी नहीं लगा। अरे मुझे तो डर लग रहा है, जल्दी से चाबी लो और यहाँ से निकलो। हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमारे जैसे यहाँ पर बहुत लोग आए थे पर जा नहीं पाए। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग जाएंगे। चलो गाइस आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी जगह ढूंढ लिया। एक मिनट, फाइनली मुझे लगता है हमारी तलाश खत्म हो गई। शिनचैन चॉप जरा यहाँ पर देखो मुझे क्या मिला है, फाइनली हमने इसे ढूंढी लिया। अब ये बक्सा अपना हुआ गाइस, इसका मतलब इसके अंदर हमें वो चाबी मिलेगी। अरे तू देख क्या रही हो, जल्दी से इस बॉक्स को खोलो ना, मुझे उस चाबी को देखना है जिसके लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ शिनचैन बस कर ही रहा हूँ, खुल जा खुल जा। यार कितना टाइट है ये, यहाँ से थोड़ा डाल के देखते हैं। अरे यार कितना टाइम ले रही हो, जो करना है जल्दी करो ना। कर तो रहा हूँ, ये ले खुल गया, फाइनली वो चाबी अपनी होगी। चलो 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 अब इसे लेके यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस फाइनली वो बक्सा और चाबी हमारे हाथ में आ चुके हैं, अब जाएंगे हम लोग सीधा घर उस दरवाजे के पास। बस वो डोर कहीं और स्पॉन ना हो गया हो, क्योंकि टोनी ने कहा है कि वो अपनी जगह बदलता रहता है, कहीं पर भी स्पॉन हो जाता है और कोई कोई लोग ही उसे पहचान पाते हैं। पर एक बात अच्छी है कि वो लॉक रहता है, तो कोई अनजाने में उसके अंदर घुस के गलत जगह फंस तो नहीं जाएगा। अरे आपका मतलब क्या है फंसने से। चौप यार कुछ मतलब नहीं है यार, तो कुछ ज्यादा ही डरता है। अरे हाँ ना इतना तो मैं भी नहीं डर रहा हूँ, काफी दूर नहीं निकल आए थे हम लोग। चलो गाइस फाइनली पहुंच गए। शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, यहाँ पर रहना, अंदर नहीं
नहीं आना तुम दोनों। अरे पर क्यों, हमें भी अंदर आना है। मैंने कहा ना मैं जाऊंगा पहले, पता नहीं अंदर क्या हो, कोई खतरा हुआ तो। अरे पर मैं तो खुद को डालना चाहता हूँ ना, मुझे रिस्क में जाना है, प्लीज मुझे मत रोको। मैंने कहा उतना कर, चलो अब यही पर रहना, मैं जा रहा हूँ। ओ गाइस, भाई साहब ये कहाँ पहुंच गए। अब ये क्या चीज है। अब यार ये तो बहुत ही डरावनी जगह है, यहाँ कितने सारे कॉफिन है, सब पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जरा पास जाके देखे, इसे खोलते गाइस। ओ भाई, अब इतने सारे मम्मीज, ओ ये तो मेरे यहाँ पर आके ब्लास्ट हो रहे। ओ पाउच यार, क्या धक्का दिया है। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो। अब यार टांग ही तोड़ देंगे, दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, भागो 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 गाइस। चलो गाइस उनसे तो पीछा छुड़ा लिया, अब कौन सा वाला खोले, ये वाला खोल के देखते इसके अंदर क्या है। और ये ओपन, ओ इसमें तो बहुत सारी चॉकलेट्स निकली, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी, भाई साहब। चलो अच्छा उसमें रिस्क नहीं था। अब ये वाला खोल के देखे जरा, ओ हमारे पास तो हैरी पॉटर जैसा झाड़ू आ गया है। इसके आगे छोटा सा पंपकिन लगा हुआ है, और मैं उड़ भी सकता हूँ। गाइस यार मजा आ गया, क्या बात है। चलो मुझे लगता है वापस जाना चाहिए, वहाँ पर और भी बहुत सारे डोर है जो मुझे खोलने बाकी है। चलो 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 सीधा कॉफिन के पास, और ये हम लोग पहुंच गए। ओ आउच, मतलब के क्रैश हो गए। चलो चलो अब आराम से ये जगह एकदम ठीक रहेगी। अब दूसरा वाला खोल के देखते हैं, कौन सा खोलो, अकड़ बकड़ ये ठीक रहेगा। और ये ओ आउच भाई यार, क्या लगी है। अबे ये क्या, दिवाली के पटाखे इसमें से निकल रहे सारे के सारे। ये वाला खोलते, ओहो हो इतना सारा सोना, हमारी तो चांदी हो गई गाइस। पर ये चीजें ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करती, अपने आप गायब हो जाती है। चलो ये वाला खोल के देखे, अबे यार किसने दरवाजा ही पटक दिया। अबे इतने सारे पंपकिन, और ये भी उड़ने वाले, एक बैट पंपकिन, ये क्या है। अबे यार रुक जाओ यार, पूरा शरीर चिपचिपा कर दिया फूट फूट के। क्या मगज मारी है, ये कैसा डायमेंशन है यार। अभी भी आए जा रहे, मेरा पेट गया। चलो गाइस पीछा छुड़ा लिया। अबे नहीं एक दो और है, अभी भी आ रहे। भागो भागो भागो, दूसरा वाला खुलता फटाफट। अबे स्पाइडर पंपकिन, हो क्या रहा है यहाँ पर। अबे नहीं क्या टकराया हूँ गाइस मैं, मुझे इस डायमेंशन में आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर आके फंस गया हूँ। जो दरवाजा खोलता है उसमें से मुसीबत ही निकलती है। भागो भागो भागो, जल्दी से भागो, इनसे पीछा छुड़ाना होगा कैसे भी करके। ये देखो। अबे यार रुक जाओ, क्या मगजमारी है। चलो फाइनली मुझे लगता है सब गए गाइस, मुझे नहीं लगता मुझे अभी कुछ खोलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद। Thank you.